फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए 3-in-1 पिज़्ज़ा लेकर आए हैं। आप इसे सैंडविच पिज़्ज़ा बर्गर भी बोल सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर अच्छा लगे या बुरा लगे तब भी आप मुझे कमेंट करें। चलिए हम देख लेते हैं इसलिए हमें क्या सामग्री लगती है। हमने पहले इसके लिए लिया है फ्रोज़न कॉर्न, अमेरिकन भुट्टे आते हैं उसके दाने हैं, प्याज को भी बारीक काट लिया है, टमाटर का गुर्दा निकाल कर इसे भी बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है, काली मिर्च पाउडर, ऑर्गेनो हर्ब्स और चीज स्लाइस। ये कुलचा ब्रेड है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। मोज़रेला चीज़ लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है, शेजवान सॉस और मक्खन। हमें पहले ब्रेड को बीच में से काट लेना है, दो हिस्से कर लेने हमें ब्रेड के इस तरह से। अब हमें ब्रेड पे मक्खन लगाना है, इस तरह से आप अच्छे से मक्खन लगा लें। अब हम शेजवान सॉस लगाएंगे। अगर आप शेजवान सॉस आपके पास नहीं है या पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह चिली सॉस या केचप भी लगा सकते हैं। हमें जो स्लाइस ली थी चीज़ स्लाइस वो हम इस पर लगा देंगे इस तरह से। अब हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हम प्याज, कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर और जो मसाले लिए थे वो हम ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद की और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दें। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो हमने ब्रेड ली थी इसके ऊपर हम ये फिलिंग डाल देंगे। साथ ही में इसके हम थोड़ा सा केचप सॉस डाल देंगे और जो हमने मोज़रेला चीज़ लिया था वो भी हम इसी पे डाल देते हैं। इसके ऊपर मक्खन लगाकर आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लें। ये देखिए मैंने बेक कर लिया और ये कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया ऊपर से, इसका चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। ऊपर की परत भी इसकी एकदम क्रिस्पी हो गई क्योंकि हमने इस पर थोड़ा सा बटर लगा दिया था। जब आप इसे सर्व करने जाएं तब आप इस पर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और केचप और डाल दें या इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से आप मोज़रेला चीज़ डाल दें और केचप डाल दें। ये बनके एकदम तैयार है। अब आप इसके पीस करें और बच्चों को दें। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और सबको पसंद भी बहुत आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।